दर्जी की दुकान थी और उस दर्जी के बारे में मशहूर था कि उसका कस्टमर कितनी ही होशियारी और अकलमंदी से काम ले वो कपड़ा फिर भी चोरी कर करी लेता है तो? उसकी शोहरत खासी दूर दूर तक फैली हुई थी दर्जी अपने काम का माहिर था इसलिए लोग उसके पास जाने के लिए मजबूर थे तो एक तुर्क ने उस दर्जी की शोहरत सुनी उस शहर में आ गया जहां वो दर्जी था और वहां के भी उन लोगों से उसने वेरीफाई किया जो उस दर्जी के कस्टमर्स थे वो तो पता ही चला कि वो ये बात दुरुस्त है कि वो दर्जी हर हाल में कस्टमर का कपड़ा चोरी कर लेता है तुर्क को अपनी अकलमंदी और समझदारी पर नाज था और उसको ये यकीन था कि दर्जी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता उसने उस शहर में अपने जानने वालों से कहा कि मुझसे शर्त लगा लो वो दर्जी मेरा कपड़ा चोरी नहीं कर पाएगा तो यूं उसने तुर्क ने शर्त लगा ली कि अगर तो दर्जी मेरा कपड़ा चोरी कर पाया तो ये मेरा अरबी घोड़ा जिस पर मैं सवारी करता हूं ये तुम्हारा हो जाएगा और अगर वो दर्दी मेरे कपड़े को चोरी ना कर सका तो फिर तुम्हें अपना घोड़ा मुझे देना होगा शर्त लग गई दर्दी ने इस्तंबोल अतलस जो उन दिनों बहुत मशहूर था वो कपड़ा लिया उसका थान और लेके दर्जी की दुकान पे चला गया अपने इस जानने वाले के साथ और उससे कहा कि मेरी सी दो इससे तो दर्जी ने कपड़ा देखा कि ये तो इस्तुल का बहुत ही मशहूर अतलस है और फिर कि ठीक है सिल जाएगी अब उसकी नाप ले लिया उसने तो दर्दी जब नाप ले रहा था उस वक्त से वो तुर्क बहुत होशियार था देख रहा था कि किस तरह से ये चोरी करेगा तो जब उसने कपड़ा खोला और उसकी कटिंग करने लगा तो भी तुर्क बहुत गौर से देख रहा था तो दर्जी ने कपड़े की कटिंग करते करते से पूछा कि कहां से हैं तो उसने बताया कि मेरा तालुक तुर्की से, किस से है किस शहर से है कि इस्तांबुल से तो यूं उसने बातचीत उससे शुरू की और कटिंग करता रहा तो बातें करते करते दर्जी ने उसे एक बड़ा पुरलुत् लतीफा सुनाया तो उस लतीफे को के तुर्क हंसने लगा और हंसते हंसते दोहरा हो गया पेट पकड़ के तो जो ही तुर्क ने पेट पकड़ा और दोहरा हुआ दर्जी ने बड़ी फुर्ती के साथ स्थान में से एक टुकड़ा काटा और उसको अपनी मेज के नीचे फेंक दिया तो लतीफे सुनाता रहा कपड़ा काटता रहा वो गायब करता रहा आखिर पे इतना सा थान बच गया कि उसकी खबा बमुश्किल सिलती थी तो दर्जी ने सोचा कि अब बहुत हो गई तो इसके खबा सी दी जाए तो उसने खबा सी तो खासी तंग थी इसलिए कपड़ा तो चोरी हो गया था तो यूं वो तुर्क अपने शर्त हार गया और शर्त हारने के बाद कपड़े का एक बड़ा हिस्सा भी गया कबा जो सिलवाई मजदूरी देखे वो भी तंग से किसी काम की न रही और उसका अरबी घोड़ा जो बहुत कीमती था वो भी हाथ से निकल गया उसके मौलाना रोम का फरमाना यह है कि जिस तरह से इस तुर्क ने हसी हंसी में अपना ये सारा नुकसान करा लिया तो हम लोग जब जिंदगी को हसी मजाक समझते हैं तो फिर इस तुर्क की तरह हम भी नुकसान में चले जाते हैं कि रफ्ताला ने तो हमें रूहानी अतलस से नवाजा है और जब हम जिंदगी को हसी मजाक के तौर पर लेते हैं तो उस रूहानी अतलस को उसी तरह गमाते हैं जैसे इस तुर्क ने अतलसी कपाक गमा दिया था अगर हम जिंदगी को सीरियसली लेते रहे तो ये जो ने हमें रूहानी अतलस की पोशाक पहनाई है ये डेवलप होने लगती है हम जिंदगी में एक रवैया तो ये रखते हैं कि हम ये कहते हैं कि साहब हर चीज मिन बे अल्लाह है और इंसान तो मजबूर है मेरी तकदीर में तो यही लिखा था कि मैं चोरी करूं और जेल चला जाऊं तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है कुछ लोग जब्र कदर को कतई तौर पर रद्द कर देते हैं कि नहीं जो कुछ है इंसान की अपनी मेहनत है जितनी मेहनत करता है उतना फल पाता है और जिस संत में मेहनत करता है उसी संत में वो आगे बढ़ता है बात दर हकीकत ये दोनों तरह ही की गलत है जो ये कहते हैं कि इंसान की तकदीर में जो लिखा है वो होके रहता है वो इस हद तक तो दुरुस्त कहते हैं ये मालिक रब ताला है जो वो चाहता है वो करता है लेकिन ये कहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि रब आला मेहनत को और सब्र को बहुत पसंद करता है जो इंसान मेहनत करता है और नतज का इंतजार सब्र से करता है तो रब ताला उसे उसकी मेहनत से कई गुना बढ़ाकर फल देता है और बहुत अच्छा फल देता है एक तो मेहनत का फल है और दूसरा सब्र का फल है उसका जो लोग के, की तलाश में रहते हैं और उस राह में वो मेहनत भी करते हैं और सब्र से काम भी लेते हैं तो उन्हें अल्लाह की दोस्ती जरूर मिलती है जो मैं मैंने अर्ज किया कि रबाल मालिक है ऐसा मालिक कि जिसे कोई पूछने वाला नहीं जो चाहे सो करे उसको कोई पूछेगा नहीं ये दुरुस्त है लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात भूल जाते हैं कि वो ऐसा मालिक है जो बड़ा रहीम और करीम है दुनिया में, जिंदगी में हमारे लिए रब रहमान है कि जब वो देता है तो ये तश्ीफ नहीं करता कि कौन उसका फर्मा बरदार कौन उसका चाहने वाला और कौन उसके इतात करने वाला बल्कि वो सबको खुले हाथ से अता फरमाता है लेकिन कयामत के रोज वो रहीम होगा वहां जो वो लोगों से मामला करेगा वहा ये देखा जाएगा कि कौन उसका चाहने वाला था कौन उसका फर्मा बरदार था कौन उसका इतात गुजार था कौन उसको पूजने वाला था वहां वो रहीम होगा लेकिन दुनिया में वो रहमान है ऐसा मालिक जो रहमान है बेपना मेहरबान और बेपना सखी है तो ऐसे मालिक से हम ये गुमान क्यों कर रख सकते हैं कि वो कभी हमारा बुरा चाहेगा वह हमारा भला ही चाहेगा अगर कोई तकलीफ या दुख या दिक्कत जिंदगी में आती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है रात के बाद तलू होने वाला दिन उतना ही उजला होता है तो अगर किसी वक्त हमें तकलीफ आई है तो उस तकलीफ के, के बाद जो राहत हमें ऐता फरमाया गया रहा वो राहत फिर उसी नस्बत से कमाल की होगी जिस नस्बत से हमने वो दिक्कत उठाई है किसी साहब ने पूछा है कि नबी पाक वसल्लम को ख्वाब में देखना कैसा है एक मारूफ मजहबी स्कॉलर के मुताबिक यह आज के लोगों की मिसकनसेप्शन है क्योंकि हमारा नफ्स चीज़ों को ड्रामाटाइज करता है सूरत मनाता है कैरेक्टर्स तख्लीक करता है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं और इस जिम में जो हदीस पेश की जाती है इसका वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं उन स्कॉलर के मुताबिक अल्लाह और शैतान हमारा नफ्स एक ही मीडिया में इस्तेमाल करते हैं ची ये एक मिसकंसेप्शन है ये आपकी बात सौ फीसद दुरुस्त है कि ख्वाब में हमारा नफ्स चीजों को ड्रामेटाइज करता है इसमें कोई शक नहीं ऐसा ही होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और इसकी कंसेप्ट इसकी एक्सेप्शन मौजूद है इस मिसकंसेप्शन की एक्सेप्शन मौजूद है जो ख्वाब हमारा नफ्स हमें दिखाता है शैतान दिखाता है वो होते हैं लेकिन शैतान आप सल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता वो एक्सेप्शन है वहां जाके उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी जहां आप सल्हस के साथ मुबारक का ताल्लुक आ जाएगा वो ख्वाब जो आप सल्हम से मुतालिक हैं या आप सल्हे वसलम की जियारत है उसमें शैतान नहीं हो सकता वो एक एक्सेप्शन मौजूद है <laughs> इसी तरह ये जो मैंने अर्ज किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता आपने अपनी अपनी जिंदगी में भी सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बाज ख्वाब आपने देखे और वो सच्चे निकले हर आदमी में से एक्सपीरियंस करता है जो लोग नेक होते हैं उनके ख्वाब अक्सर बशतर सच्चे होते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता से मुराद मेरी यह है कि हम जहां शैतान के दिखाए हुए ख्वाब देखते हैं वहां रहमान के दिखाए हुए भी ख्वाब देखते हैं और खुद आपने अपने सवाल में ये जो फरमाया है कि एक ही मीडियम को यूज करता है रहमान भी और शैतान भी तो फिर ये एक्सेप्शन तो खुद आपने लिख दी कि हमेशा शैतानी नहीं ख्वाब दिखाता रहमान भी दिखाता है अगला सवाल इन्होंने किया कि क्या अगर कोई बच्चा ऐसा ख्वाब देखे तो उसे हकीकत मानना चाहिए या ये उस बच्चे की नफ्सियात को जाहिर करता है मैंने अभी अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक कर तक ये बात पूरे यकीन से कही जानी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज्यारत करे बच्चा हो या बड़ा वो ख्वाब हकीकी है शैसान ने नहीं दिखाया ये सवाल है कि रात के तीसरे पहर अल्लाह को पुकारने का बेहतरीन अंदाज क्या है बड़ी सादा सी बात है कि नवाफिल और कुरान पाक की तलावत ये बेहतरीन चीज है तलावत इतनी आवाज में हम करें उसको हम खुद सुन सकें और कलाम पाक पढ़ते हुए जहन हमारा इधर उधर न भटके उसका आसान सा एक तरीका है कि हम कुरान की तलावत इतनी आवाज में करें कि हम उसको खुद सुन सकें और हम अपनी तलावत को खुद बहुत गौर से सुने कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो जब हम अपनी आवाज को खुद गौर से सुनेंगे तो हमारे अंदर वो यक्षुई पैदा होगी और हमारा जहन उधर इधर उधर नहीं भटकेगा नवाफिल और कुरान पाक की तलावत बेहतरीन इबादत है उस तीसरे पहर के लिए इन्हीं साहब ने अगला सवाल पूछा है कि क्या कोई तरीका है कि शब के तीसरे पहर अल्लाह को हमारा पुकारना ऐसा मामूल बन जाए जिसमें कभी नागा ना हो इसका आसान तरीका यह है हम जिस कमरे में सोए हैं अपने बेड से फास्ले पर अलार्म रख दें। तो अगर इस कोने में बेड बिछा है तो कमरे के एंड पर जो कॉर्नर है वहां हम क्लॉक अलार्म क्लॉक रख दें। जब वो अलार्म बोलेगा तो हम मजबूर उठ के जाके उसे बंद करना होगा तो एक बार जब हमने बिस्तर छोड़ दिया तो फिर उठना कोई इतना मुहाल नहीं रहता कोई इस तरह नागा नहीं होगा मिनी का अगला सवाल है कि क्या हर वरे अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर की इजाजत होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि महफिल में फरिश्ता भी बगैर इजाजत नहीं जा पाता वहां भी फरिश्ते को अगर आप सल्हसम इजाजत मरहमत फरमाएंगे तो ही वो हाजिर हो पाएगा उसके अलावा कोई नहीं तो बेचारा वल्ला क्या बेचता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप वसल्लम किसी अल्लाह को उनके मुरीदों के बारे में भी हिदायत फरमाती हैं? ऐसा नहीं है मांस पाए कहीं कोई एक्सेप्शनल केसेस इस तरह के जाए अदरवाइज सवाल है कि क्या दुआ घर का सिस्टम और दीगर मामला हजरत इमाम हुसैन रजिल्ल तनो मॉनिटर करते हैं भाई कौन से दुआ घर की है तो बता दें आप अगला इनका सवाल है कि रूहानियत में बादशाह सलामत का खिताब आमतौर पर किस अल्लाह को दिया जाता है जो में वक्त होता है अल्लाह जो उस दौर का हाकिम है क़राम उसके बारे में जब भी आपसे जिक्र करेंगे क्योंकि हाँ मुझे से लोग ये पूछे बगैर नहीं रहते कि फला आदमी अगर कोई मुझे अल्लाह मिल जाएगा तो पहला सवाल ही होगा जो तो मैं उनसे करूंगा कि फला आदमी अल्लाह है कि नहीं फला आदमी किस मकाम पर फाइज है तो जब उनसे ऐसा कोई सवाल किया जाएगा तो वो फिर ऐसे अल्लाह के बारे में जो उस वक्त बतौर हाकिम काम कर रहा है उसके बारे में कह देंगे कि वो तो बादशाह है अपने वक्त का एक अगला सवाल है कि क्या आप वसल्लम की रूहानी महफिल अल्लाह दीनी या रूहानी अमूर से मुतालिक कोई सवाल पूछ सकते हैं यहां अक्सर जिक्र होता है कि जब आप अपने मुर्शद की खिदमत में हाजिर होते हैं तो अदब का तकाजा यह है कि हम अपने लब सी कर जाए अपने होठों को सी कर जाए और कान खुले रखें तो अगर मुर्शद की महफिल में अदब का तकाजा यह है तो वो वो महफिल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो की है वहां किसकी मजाल के वो जुबान खोल ले अनलेस के उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुछ दरिया फरमाए ये सवाल है इनका कि क्या ये सच है कि कुछ अल्लाह अल्लाह एक दूसरे के लिए खदरे दलाली होते हैं दलाली नहीं होते फर्क यह है कि देखिए आपको अगर एक तांगे वाला रेडियो रेड़ा चलाने वाला कोई और ऐसा आदमी आपको गाली दे दे तो आप मुस्कुरा देंगे और अगर हो सका तो शायद उसको कोई कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर कर दें लेकिन अगर आप के बराबर का कोई आदमी सिर्फ आपको वे भी कहेगा तो आप पलट के उसको डांट देंगे वजह यह है कि जिसने आपको बुरा भला कहा उसके बारे में आपको पता है कि इसके पास तालीम नहीं इसकी तरबीय वैसी नहीं हुई इसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या क्या रहा है तो इसलिए आप उसकी बात का बुरा नहीं मनाते उसकी सख्त बात के जवाब में मुस्कुरा देते हैं और अगर अल्लाह ने हौसला दिया है तो उसको आप एंटरटेन कर देते हैं लेकिन आपके बराबर के आदमी के बारे में आपको पता है कि यह तालीम याफ्ता है तरबियत याफ्ता है इसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से जुबान से निकालने कौन से अल्फाज नहीं निकाल दें तो ऐसे आदमी की बात का आप बड़ी सख्ती से नोटिस लेते हैं जब दो अली अकर मिलेंगे आपस में तो अगर एक आदमी कोई मयार के बरखलाफ कोई बात करेगा मयार से हटकर बात करेगा तो दूसरा अल्लाह उसे बर्दाश्त नहीं करता सख्ती से डांट देगा वो इसलिए कि अगर ये काम नहीं करेगा तो अली अक्राम जिन्होंने दूसरों की रहनुमाई करनी है वही अगर ऐसी बात करेंगे तो रहनुमाई के लायक रह नहीं जाएंगे इसलिए वो उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि देखने वाला ऐसा लगता है कि जलाल जलाली है दूसरे दु, के लिए ऐसी बात नहीं होती एक और सवाल है कि क्या वलायत में हर वली की रूहानी प्रमोशन का जश्न मनाया जाता है या किसी खास प्रमोशन ही की सेलिब्रेशन की जाती है ये खास प्रमोशंस होती हैं जिसको सेलिब्रेट करेंगे दूसरे वरना रूटीन में प्रमोशंस होती रहती है इसी सवाल का अगला हिस्सा है उन्होंने लिखा है कि क्या ये जश्न रूहानी तौर पर मनाया जाता है या फिजिकली ये डिपेंड करता है बाज फिजिकली भी होता है और साथ साथ रूहानी तौर पर भी लेकिन वो डिपेंड करता है कि मनाया कहा जा रहा है कौन मना रहा है उस पर डिपेंड करता है इसी सवाल का अगला हिस्सा उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या है इस जश्न में तमाम मरहूम अली अल्लाह और हयात तो अलिया अल्लाह भी मौजूद होते हैं जरूरी नहीं है इसी सवाल का तीसरा हिस्सा यह है कि ये जश्न अमूमन किस मकाम पर मनाया जाता है और इसका एहतमाम कौन करता है मैंने शायद किसी सवाल के जवाब में पहले भी अर्ज किया था कि 73, 74 के जमाने में मोइन अख्तर ने टीवी पर यह जोक सुनाया था कि जो एक गरीब आदमी बाजार से तरबूज खरीद लाया काटा तो जिन बरामद हो गया था तो जिन ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या दूं मैं तो उस गरीब आदमी ने सोच सोच के फैसला किया कि इससे मकान बनवा लिया जाए क्योंकि मकान ऐसा है जो सारी उम्र कमा के भी मैं बना नहीं पाऊंगा तो उसने जिन से कहा था कि एक खूबसूरत सा महल मेरे लिए बना लो तो जिन ने फौरन जवाब दिया कि पागल हुए हो क्या अगर मैं महल बना सकता होता तो मैं तरबूज में रहता तो भाई अगर ये सारा मुझे पता होता कि जश्न किस मकान पर मनाया जाता है तो मैं इस जश्न में जाके कोई खाना ना खाता बेहतर बगले इस सवाल का अगला हिस्सा कि क्या इस जश्न में प्रमोट होने वाले अल्लाह के खलीफा और भी शिरकत करते हैं शिरकत का क्राइटेरिया क्या होता है भाई इसका जवाब क्या आदमी मुझे पता हो तो मैं तो अभी उन अल्लाह की शगिर्दी कर लूं जिनकी प्रमोशन होने वाली है ताकि मैं तो एंजॉय करूं उसको जिस बलियल्ला की परमिशन का जश्न मनाया जाता है वो जिसको साथ ले जाना चाहे उसकी परमिशन लेता है और फिर वो अपने साथ ले जाता है उन लोगों को उस जश्न में इनका अगला सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि वो तमाम अमूर जो औली के रास्त तसरफ से बाहर हों उनकी बजावरी के लिए हर शहर में फरिश्तों की एक मखसूस जमात हाजिर रहती है और ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में मौजूद होते हैं ये जरूरी नहीं है रब का अपना एक निज़ाम है जो चल रहा है फरिश्ते रब ताला के अहकाम को कैरी आउट करते हैं चूंकि ये दुनिया आलमसबाब है तो बात कुछ मामला में दुनियावी या मादी इसबाब का होना जरूरी हो जाता है तो अलिया कर उस वक्त ये खिदमत सर अंजाम देते हैं तो ये उल्टा है मामला फरिश्ते नहीं मौजूद रहते ओली कराम इस आलमस्बाब में मादी इसबाब के सिलसिले में ड्यूटी सर अंजाम दे देते ये अदर वे राउंड है बात इनका अगला सवाल है कि क्या आप वसल्लम की मुबारक महफिल में नेक जन्नात भी हाजिर होते हैं क्या जिन्नात और ये अल्लाह भी साहेबी ड्यूटी होते हैं नहीं जिन्नात ऐसी ड्यूटी पे फाइज नहीं होते और ना महफिल में एज़ शामिल होते हैं असल में ये सवाल इन्होंने कुछ ऐसे लिख दिए जिसके जवाब देना खासा और दुशवार है कि वो कुछ ऐसे मामला हैं उनके जिनके बारे में मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती किसी को <स्थाँगी> क्या ये सच है कि रात का आखिरी हिस्सा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार खास के का वक्त है इस इस जवाब को इस सवाल के जवाब पर हिसार न कीजिए इसको नहीं दीजिए इसी तरह अगला सवाल है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई बल अल्लाह कश्त की हालत में किसी ऐसी शाय का मुशाहदा करे जिसकी उताब न ला सके और नतीजे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि हालत कश में ऐसी चीज देख ली जिसकी तजल्ली किताब नहीं बुला पाया और होशोहवास दिए या ये कहना ज्यादा सही होगा कि किसी चीज को देख के इल्म की का जोर इस कदर हो गया कि उस इल्म को वो सहार नहीं पाया और खो दिए ये हो जाता है लेकिन ऐसे मकाम पर मुर्शद हैं अगर वो कामिल है जो कि होते हैं वरना मुर्शद हो नहीं सकते अगर वो कामिल ना हो तो वो संभाल लेते हैं वो इंसान को सत्य तो ज्ञानी नहीं देते जहां वो को दे क्योंकि वलायत में सालिक फजीलत रखता है मजुब पर जो लोग प्रॉपर सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं और उनके मुर्शद उनकी तरबियत करते हैं उनको इल्म देते हैं पहली बात तो यह है कि मुर्शद बड़ी मयरड डोज में इल्म देते हैं कि उस इल्म के जरिए से वो एक यकलख्त आगे इतना ना चला जाए कि वहां उस मकाम की किताब ला सके और होश आवाज खो दे को तक जाने नहीं देते उससे पीछे रोके रखते हैं तो ऐसा आहिस्ता जो रूहानी तरक्की होती है शागिर्द की तो वो आगे उसको बढ़ने देते हैं। तो इस तरह से होश आवाज खो नहीं पाता बल्कि जिन आ, खुश नसीबों के मुर्शद इतने कामिल हूं कि वो अपने शागिर्द की तरबियत इस अंदाज में करते हैं कि सुन्नत के एन मुताबिक उनका शागिर्द दुनियादारों में बैठे तो दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार हो दिखाई दे दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार दिखाई दे और दीनदारों में बैठे तो दीनदारों से ज्यादा दीनदार दिखाई दे ऐसी तरबियत कर देती है पहाइया और औराद वजाइफ किसी अल्लाह को जमाली से जलाली क्यों बना देती हैं रूह की केमिस्ट्री इतनी तब्दील क्यों हो जाती है क्या कोई अल्लाह जलाली ना होना चाहे जमाली ही रहना चाहे तो क्या उनका कोई अख्तियार होता है क्योंकि खल के खुदा अमूमन जमाली बुजुर्गों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है ये डिपेंड करता है कि कोई साहिब इल्म किस किस्म के वजाइफ पढ़ रहा है उससे जलाल अगर पैदा होता है ज्यादा और अगर उसके मुर्शिद उन्हें लगाम न दें, तो वो जलाली हो जाएंगे फिर और बाद मजाज का उसमें दखल होता है बहुत कि अगर उनका अपना मजाज ही जलाली है तो जू न्यू वो वजाइफ पढ़ेंगे तो तो उनके जलाल में इजाफा होता जाएगा लेकिन फिर भी उनके मुर्शद कोशिश करेंगे कि उनको एक हद से आगे न निकलने दें रूहानी तरक्की और तरबियत में असल में मुर्शद ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपने शागिर्द को कि ये किस राह पर जा रहा है कैसे जा रहा है वो डिपेंड करता है कि मुर्शद का डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं कि डांट दिया कि क्या कर रहा हो बाज मुर्शद ज्यादा मरबत वाले होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो डायरेक्टली कहने के बजाय या तो आपको किस्सा सुना देंगे या इनडायरेक्टली कोई बात कह देंगे किसी को सुना आपको रहे होंगे तो सुनने वाला शागिर्द जो है क्योंकि मुर्शद को पहचानता है तो वो फौरन भाप जाएगा ये बात कहीं किसी और को गई है लेकिन कहा मुझे जा रहा है मैंने यहाँ किस्सा बयान किया था कि बहुत पुरानी बात है मैं की बात कर रहा हूं तो सिगरेट वगैरह से शक नहीं था मुझे कभी भी लेकिन वो हमारे एक कोलिग थे वो जब कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाते थे भुट्टो साहब का जमाना था तो भुट्टो साहब के कपड़े उनके जूते उनके कफलैंक्स फैशन में आ गई थी और सिगार भुट्ट साहब पीते थे तो एक आध में ले आते थे मेरे लिए तो मैं सिगार ऐसी मजाक में सुलगा के बैठा रहता था मेरे एक दोस्त मुर्शद साहब के पास गए वो, वो सिगरेट कसरत से पीते थे तो मुर्शे साहब बातें उनसे कर कर रहे थे कि मेरे दोस्त हैं इसलिए ज्यादा ज्यादा तो जो उनको मिल रही थी तो उनको फरमाया उन्होंने कि देखो ये जो सिगरेट पीता है पीते हैं आप इससे रूहानी प्रवास में रुकावट आती है सिगरेट पीने वाला आदमी एक हद से आगे नहीं प्रवास कर पाता चाहे एक सिगरेट या सिगार साल भर में पिए फिर भी कोताही जरूर आएगी वो साहब तो रूहानी राह तो मेरे दोस्त थे लेकिन मैं समझ गया कि ये कहा मुझे गया है कि साल भर में दो साल में अगर एक सिगार भी पियोगे तो रुकावट जरूर आएगी तो मरवत वाले मुर्शद फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं समझाते हैं वो तो इसमें रोल ज्यादा होता है इसी तरह हमारे सिलसिले में सिलसिले साबरिया में अक्सर बेशर आपको लोग ये कहानी सुनाते हुए मिलेंगे कि जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ वो ऐसी पढ़ाई होती है या ऐसी सूरतें होती हैं जो मैंने कभी तस्वीर की नहीं होती जागते हालत में लेकिन सोते हुए उठता हूँ तो वो पढ़ रहा होता हूं ये असल में मुर्शिद मेहनत कर रहे होते हैं कि आपको सोते में पढ़वाते हैं कि आप एक मकाम पर चले जाएं तो मुर्शिद हमारे यहां ज्यादा मेहनत करते हैं शागिर्देश करते हैं तो वो और बात है कि मुर्शिद इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे नालायक शागिर्द को बेचारे उसका कुछ बिगाड़ पाते ही नहीं है बिल्कुल वो वहीं के वहीं रहते हैं जमीन जुम्मन न जुम्मन गुन मोहम्मद लेकिन कुछ मुर्शद बहुत मेहनत करते हैं कुछ सोते में पढ़ाते हैं शगिद को बात जलाली की हो रही थी तो मुर्शद मॉनिटर करेंगे उन्हें जलाली नहीं बनने पाएंगे लेकिन अगर फितरत में जलाल है तो बहुत बढ़ जाएगा तो यूं कुछ अलिया कराम आपको जलाली महसूस होते हैं वहील्ला याद रखिए कि किसी अल्लाह के किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं देते कभी इसलिए कि उसकी इजाजत ही नहीं है तो अगर वो आपके साथ जलाली रवैया रखते हैं तो इत्मीनान रखिए वो रवैया यहां से ऊपर ऊपर है यहां नहीं आता वो रवैया यहां पर वो नरमी ही होगी मोहब्बत ही होगी लेकिन आपको एक खास ट्रैक पे रखने के लिए वो ऐसा जाहिर कर देते हैं जैसे वो गुस्से में आए गए होता नहीं ओसा वो दिल में नहीं होता उनके, क्योंकि वली अल्लाह बहुत ही डिसिप्लिन होता है कानून जाबते असूल इनका सख्त पाबंद होता है तो अपने पास आने वालों से तो रखता है कि वो उसी असूल को कानून को रब्ते को नज्म को फॉलो करेंगे उस अंदाज में जिस अंदाज में किया जाना चाहिए तो बाद इसलाह करने के लिए वो जलाल का इजहार कर देते हैं खल्के खुदा चाहेगी कि हर वक्त अल्लाह के फकीर से मिले लेकिन उसको अपने फराइज सर अंजाम देने उसकी फैमिली है उसके रिश्तेदार हैं उसके रोजगार के मामला हैं, उसका सोशल सर्कल है उसे सबको टा, टाइम देना है बांट के उसके भी दिन के 24 घंटे ही हैं आपकी तरह उसके दिन के 240 घंटे नहीं बनेंगे तो वो जब तकसीम करता है टाइम को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए तो हल्के खुदा के लिए भी एक मखसूस टाइम वो मुख्त करता है इससे ज्यादा वो दे नहीं पाएगा टाइम खल्के खुदा तो नहीं देखती वो तो उसके इबादत के टाइम पर भी उसके पास आएगी उसकी फैमिली के टाइम पर भी आएगी उसके रोजगार के टाइम पर भी आएगी तो वो फिर एक जाहिर सख्ती का इजहार करता है उसका मकसद कुछ नहीं होता सिर्फ आपको उस जाप्ते में लाने की कोशिश हो करता है, तो बाकी इनशाला फिर अगली इतवार बशरते जिंदगी उस तक के लिए इजाजत असलकम